आज पढ़ेंगे कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है एसी। टॉर्क इन एसी कम्यूटेटर मशीन। सो अभी तक ये मैं जनरेशन देखा था कितने जनरेट होते हैं, एक रोटेशनल और एक ट्रांसफर, और ये मैं ड्यू टू पल्सेटिंग फील्ड एंड रोटेटिंग फील्ड। ठीक है, और कैसे जनरेट होता है ये आपको रोटर है। ठीक वाइंडिंग है, ठीक मान लेते हैं ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक सो स्टेटर फील्ड इज प्रोड्यूसिंग साइनसोइडल एमएमएफ एफ एस। जो एफ एस है ये स्टेटर का एमएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप सप्लाई दोगे एसी सप्लाई, यहाँ एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है आईएफ, तो ये आपको देगा एफ एस। ठीक है, एफ एस इज इक्वल टू आई एफ इनटू एन। ठीक है, ये आपको एक स्टेटर का एमएमएफ मिल गया। ठीक, तो उसके कारण आपको क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा। इसके कारण क्या होता है, एन इंटू आई आई मिलेगा आपको फाई इंटू एस। ठीक है, सो दिस विल बी स्टेटर फ्लक्स, ये हो जाएगा स्टेटर का फ्लक्स। सो अब ये जो फ्लक्स है, ठीक है, तो ये आपका स्टेटर है और यहाँ पर ये रोटर। यहाँ पर आपने सप्लाई दिया, इसको एसी सप्लाई दिया, तो यहां पर आपको मिलेगा फ्लक्स। ये आपका स्टेटर का फ्लक्स। अब ये क्या करेगा, इस रोटर को कट करेगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किटेड है, तो यहां पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए ये पूरा बन रहा है ब्लॉक और ये बन रहा है क्रॉस। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहाँ पर सप्लाई दिया इसे सप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा, एक एमएमएफ। एमएमएफ के कारण आपको फ्लक्स मिलेगा और ये फ्लक्स जब रोटर को कट करेगा तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा और ये एक स्क्विरल केज रोटर है, जो रोटर से रोटर कंडक्टर सर शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये डॉट है और ये क्रॉस है। इसके कारण क्या होगा, यहां पर एक एमएमएफ बनेगा। ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक ये ऐसा। क्रॉस का कैसा होगा, आपको मिलेगा एफ आर, दिस इज एफ आर।
ठीक है, तो एफ एस जो है वो स्टेटर का एमएमएफ है, स्टेटर एमएमएफ, और ये मिलेगा आपको एफ आर रोटर का एमएमएफ। सो इस तरीके से ये क्रॉस 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 है, तो इसका जो फ्लक्स होगा, जो मैग्नेटिक लाइंस होगा, ऐसा होगा, और इसका आपको कैसे मिलेगा, ऊपर मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट एफ आर है वो इधर होगा, ठीक है, विच इज 90 डिग्री टू एफ एस। ठीक है, तो दोनों क्या है, एक दूसरे से 90 डिग्री पे। सो एफ एस एफ आर इज क्वाड्रेचर विद एफ एस। ठीक है, तो इन दोनों के इंट्रैक्शन से यहां पर क्या होगा, यहाँ पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए चार क्वाड्रेंट है, यहाँ पर आपको मिलेगा T/4, यहाँ पर मिलेगा आपको T/4, यहाँ पर मिलेगा T/4, और यहाँ पर मिलेगा आपको T/4। ठीक है, और सारे जो है एक डायरेक्शन में है, और ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं टॉर्क, बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो ये है फोर्स के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और ये करंट के लिए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर है, और करंट कहाँ पर है, अंदर जा रहा है, तो जो फोर्स मिलेगा आपको वो देखिए इस डायरेक्शन में, जो टॉर्क लगेगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, सॉरी करंट अंदर की ओर है ये डॉट के लिए, और ये जो है सॉरी क्रॉस के लिए। ठीक है, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो जो टॉर्क लगेगा आपको इस तरीके से लगेगा। ठीक है, ये चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिए, T/4, 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 और ये T/4, तो आपको टोटल टॉर्क मिलेगा T। ठीक है, सो फोर क्वाड्रेंट टॉर्क्स एक्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो फोर क्वाड्रेंट टॉर्क एक्ट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देयर बाय गिविंग द टोटल रिजल्टेंट टॉर्क। ठीक है, तो टी क्या हो जाएगा, टोटल T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 प्लस T/4, तो ये चार क्वाड्रेंट के आप टॉर्क ऐड कर लीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा टोटल टॉर्क। ठीक है, तो जो टॉर्क का जो या फोर्स लग रहा है रोटर पे, आप वो लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हो। आपके पास करंट का डायरेक्शन है, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो फोर्स मिल जाएगा और आपको वो टॉर्क पता चलेगा। ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से भी हम बता सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, ये आपका रोटर, और डॉट 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 क्रॉस 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 क्रॉस। ठीक है, तो जैसे ही स्टेटर एमएमएफ बनेगा, तो दो पोल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ये इधर है, ये N1 और S1। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, N1 और S1 मिलेगा। ठीक है, सो ये N1 और S1 जो है वो स्टेटर के पोल्स है। ठीक, स्टेटर के पोल्स N1 और S। ठीक है, अब और रोटर एमएमएफ FR के कारण आपको क्या मिलेगा, दो पोल्स मिलेंगे। ठीक है, ये मिलेगा आपको N2 और ये S2। ठीक है, सो रोटर पोल्स इज N2 S2। ठीक है, और स्टेटर के पोल्स हैं N1 और S1। ठीक है, अब देखो ये है नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये साउथ और ये नॉर्थ। ठीक है, और ये साउथ और ये नॉर्थ इसको अट्रैक्ट कर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रोटेशन मिलेगा। तो इस तरीके से भी आप इसको
बता सकते हो। ठीक है, तो ये रोटर का नॉर्थ साउथ है, अंदर बना दो तो और समझ में आएगा। ये एन टू और ये एस टू, ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये मैग्नेटिक, और ये एस टू और ये एन टू इसको मैग्नेट। ये स्टेटर के पोल्स हैं और ये रोटर के पोल्स हैं, और आपको टॉर्क मिलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो दो तरीके से बता सकते हैं, यहाँ पर ये आपको चार क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो ये जा रहा है, इसका जो फोर्स है आप लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो करंट अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो फोर्स ऐसा लगेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर हर पॉइंट पर आप यहाँ पर इसका टॉर्क फाइंड कर सकते हो। तो चार क्वाड्रेंट है, चार टॉर्क मिलेगा, टी बाई फोर, टी बाई फोर, टी बाई फोर, एड करोगे तो आपको टोटल टॉर्क मिलेगा क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ठीक है, या ऐसे भी समझ सकते हो, ये एन वन और एस वन मान लीजिए स्टेटर का यहाँ पर MMM है। ठीक है, ये स्टेटर का पोल्स बन रहा है एन वन और एस वन, और रोटर का जो एफ आर है वो बन रहा है यहाँ पर नॉर्थ और साउथ। तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क जनरेशन। ठीक है, इस तरीके से टॉर्क जनरेट होता है एसी कम्यूटेटर मशीन में। अब मान लीजिए 90 डिग्री के बाद, ये हो गया क्रॉस क्रॉस, ये डॉट डॉट, और ये तो सेम रोटर करंट, तो अभी 90 डिग्री के बाद यहां पर ये क्रॉस क्रॉस हो गया और ये हो गया डॉट डॉट। ठीक है, तो अब एफ आर चेंज हो जाएगा, ये एफ आर अब यहाँ नहीं रहेगा, सो दिस विल बिकम, जो एफ आर है अब वो इधर आ, तो अगेन जब आप इसका पोज फाइंड करोगे बाय लेफ्ट हैंड रूल, तो आपको क्या मिलेगा, ये टी बाई फोर इधर है और ये टी बाई फोर इधर। ठीक है, ये टी बाई फोर इधर है और टी बाई फोर इधर। ठीक है, तो आप जब टॉर्क लगेगा चारों क्वाड्रेंट में, वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से अपोजिट हो रहा है। ठीक है, ये टी बाई फोर, टी बाई फोर दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, ये टी बाई फोर, ये टी बाई फोर, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो नेट टॉर्क होगा विल बी इक्वल टू जीरो, नेट टॉर्क विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, और अगर दूसरे तरीके समझते हैं इसको, क्रॉस 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 डॉट डॉट, ठीक है, देखो एफ एस और एफ आर, ठीक, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, 180 डिग्री, ऐसे भी समझ सकते हो, ये है एफ आर और ये है एफ एस, दोनों के बीच में कितना डिग्री है, 180 डिग्री। ठीक है, और मैंने बताया है कि जो टॉर्क एंगल है, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू दो फ्लक्स एफ एस और एफ आर, ठीक है, इंटू साइन एंगल अल्फा, और अल्फा कितना है, 180, तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन 180, और साइन 180 क्या होता है, जीरो, तो टॉर्क क्या मिलेगा आपको, जीरो। क्यों, क्योंकि जो स्टेटर का फील्ड है और रोटर का फील्ड है वो दोनों एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है, तो वो दोनों हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अपोज करेंगे, एंड देयर विल बी नो टॉर्क डेवलप एट अल्फा इज इक्वल टू 180।
ठीक है। चलो एक ये तरीका ये भी है, एक और मेथड से समझ सकते हैं इसी चीज को, ठीक है। तो जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड बना था वो N1 और ये S1, ठीक है। तो जो N1 S1 है वो स्टेटर के पोल्स हैं। दूसरा, अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो जो इसके पोल्स मिलेंगे, ये मिलेंगे आप, ये N2 और ये S2, ठीक है। इससे पहले कहाँ मिला था? N2 और S2 यहाँ पर मिला था, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, ठीक है। तो ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट कर रहा था और ये साउथ इसको अट्रैक्ट कर रहा था। अब ये देखिए, टू सिमिलर पोल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये स्टेटर के पोल्स हैं और ये रोटर के पोल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, इस कारण वहां पे जो टोटल टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो स्टेटर टॉर्क, स्टेटर प्रोड्यूस पोल्स N1 एंड H1 एंड रोटर प्रोड्यूस N2 S2 आर इन द सेम एक्सिस। वो क्या हो रहे हैं? सेम एक्सिस पे हो रहे हैं। देयरफॉर टॉर्क एंगल इज 180 एंड नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल डेवलप। सो देयर विल बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल डेवलप व्हेन द रोटर MMF एंड स्टेटर MMF आर इन सेम लाइन, दे आर 180 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। तो टॉर्क कब डेवलप होगा? जब ये दोनों क्या होंगे? आर और ये FS, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री पे होंगे। ये आपको मैक्सिमम मिलेगा क्योंकि साइन 90 आपको क्या देगा? वहां पर मैक्सिमम देगा, ठीक है। और जब ये दोनों सेम फेज में आ जाएंगे, FR और FS, आपको उस समय कोई टॉर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। कल जो इतने दिन से मैं बता रहा था आपको, अगर जो ब्रश एक्सिस होगा वो इसके कोइंसाइड करेगा तो रोटेशनल ईएमएफ वहां पर जीरो होता है। इस कारण यहाँ पर वो जीरो होता है, वहां पर कोई रोटेशनल ईएमएफ नहीं मिलता है, बस आपको क्या मिलेगा? ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ। रोटेशनल ईएमएफ कब मिलता है? जब एफएस और एफआर दोनों 90 डिग्री पे होते हैं, तब आपको क्या मिलता है? रोटेशनल ईएमएफ, और वहां पर ये रोटेशनल टॉर्क मिलता है, ठीक है। तो टू वाइंडिंग स्टेटर एंड रोटर हैव देयर एमएमएफ एंड देयर कंपोनेंट एट राइट एंगल टू ईच अदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल डेवलप, ठीक है। तो जो रोटर का एक्सिस है और स्टेटर का एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस, दोनों 90 डिग्री पे है, तभी वहां पर आपको क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा। और अगर दोनों 180 है इस तरीके से, तो वहां पर कोई टॉर्क आपको नहीं मिलेगा। या सेम फेज में होंगे, साइन जीरो भी जीरो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से देर विल बी नो टॉर्क डेवलप व्हेन एफ आर एंड एफ एस आर इन सेम लाइन, ठीक है। तो इसको दो तरीके से बता सकते हैं, ये क्रॉस 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 है, इसके कारण जो टॉर्क मिलेगा आपको इधर मिलेगा, इसके कारण आपको इधर मिलेगा। ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो? लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हो। ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक, सॉरी, ये करंट डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक डायरेक्शन है, आपको फोर्स मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके से टॉर्क मिलेगा, T/4 इस क्वाड्रेंट के इधर कर रहा है, इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इधर ये इधर, तो नेट टॉर्क आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे फाइंड पता कर सकते हैं? ये है स्टेटर का पोल S1 और N1 और S1, ये है रोटर के पोल्स N2 और S2, ये है आपका FR, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है? कोई देर विल बी नो अट्रैक्शन, सो देर विल बी नो टॉर्क डेवलप। दूसरा तरीका ये है, तीन तरीके से बता सकते हैं, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू टू फ्लक्सेस एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैट टू फ्लक्सेस, ठीक है। तो जो अल्फा है वो कितना है? 180 डिग्री इन दोनों के बीच में, तो टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो देयर विल बी नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क विल डेवलप बिकॉज़ रोटर पोल्स एंड स्टेटर पोल्स आर इन सेम एक्सिस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे देखा था ब्रश को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, देखते क्या होता है। न्यूट्रल एक्सिस से ब्रश को थोड़ा शिफ्ट,
क्वेश्चन है। यहाँ पर ये कहलाता है डी एक्सिस और ये कहलाता है एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस। ठीक है, तो ये अल्फा डिग्री हमने यहाँ पर क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो ये पाई है, ये मिलेगा आपको अल्फा और ये कंप्लीट हो जाएगा पाई कॉस अल्फा। सो द ब्रश ए बी इज डिस्प्लेस अल्फा फ्रॉम द क्यू एक्सिस, द फील्ड फ्लक्स फाई इज साइनसोइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्पेस एंड वेरिंग साइनसोइडली विद द टाइम। ठीक है, तो जो फ्लक्स है वो साइनसोइडल फ्लक्स है, एसी सप्लाई दे रहे हो, ये आपका फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा। ठीक है, फाई और ये ओमेगा टी के बीच में, और ये है तो जो फाई कॉस अल्फा मिल रहा है। ठीक है, फाई कॉस अल्फा विल गिव राइज टू प्रोडक्शन ऑफ द टॉर्क। ठीक है, इसके कारण आपको क्या मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इस एक्सिस से, जो ब्रश एक्सिस है उससे 90 डिग्री पर। ठीक है, हमने देखा था जब भी 90 डिग्री पे होगा ब्रश एक्सिस से, वही कंपोनेंट वहां पर क्या देगा, टॉर्क देगा। ठीक है, तो यहां पर जो ब्रश एक्सिस है वो ये है। ठीक है, और उससे ये 90 डिग्री है आपका पाई कॉस अल्फा। ठीक है, ये अल्फा है, ये फाई है, तो ये कंपोनेंट होगा पाई कॉस अल्फा। सो दिस पाई कॉस अल्फा विल गिव राइज टू द प्रोडक्शन ऑफ द टॉर्क बिकॉज इट इज नॉर्मल टू द आर्मेचर मैग्नेटिक एक्सिस और ब्रश एक्सिस। ठीक है, चलिए अब टॉर्क एक्सप्रेशंस निकालते हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क है, टी इंस्टेंटेनियस विल बी प्रोपोर्शनल टू आई, करंट के प्रोपोर्शनल होगा फाई और इसका कंपोनेंट कॉस अल्फा। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई फाई कॉस अल्फा, वेयर आई इज आर्मेचर करंट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हम इसका डेरिवेशन करेंगे, डेवलप इज गिवन बाय टी ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप, पावर डेवलप होल डिवाइड बाय स्पीड ओमेगा। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर वोल्टेज कितना मिल रहा है आपको, ई ए मिल रहा है। ठीक है, ये है ई ए और करंट है आई ए, ये हो जाएगा ई ए आई ए बाई ओमेगा आर। ठीक है, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा डीसी मशीन में। ठीक है, अब नाउ ई ए क्या है, ए इज इक्वल टू पी एन जेड पाई अपॉन ए। यहाँ पर जो एन है वो आरपीएस में है। ठीक है, और आरपीएम में होता तो ये 60 A होता। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स ये स्पीड, नंबर ऑफ कंडक्टर्स पाई। ठीक है, और डिवाइड बाई ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ठीक है, यहाँ पुट कर दो तो टी क्या हो जाएगा, टी वी विल बी इक्वल टू, और ओमेगा आर क्या होता है, 2 पाई। ठीक है, ये आरपीएस में है, डिवाइड बाय आरपीएम में होता है तो डिवाइड बाय 60। है, पुट कर दो, ये हो जाएगा पी एन जेड पाई ए, ठीक है, ई इंटू आई ए
डिवाइड बाय ओमेगा इज 1/2 पाई एन। ठीक है, तो ये की वैल्यू यहाँ पे सब्सिट्यूट कर दिया, यहाँ पर ये एन एन कैंसल हो जाएगा, आपको मिलेगा पी जेड पाई 2 पाई ए इंटू आई ए इंटू पाई। ठीक है, वेयर हो जाएगा 2 पाई ए, आई ए क्या है, आर्मेचर करंट, और पाई है फील्ड फ्लक्स। अब इंस्टेंटेनियस टॉर्क इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी जेड अपॉन 2 पाई ए। ठीक है, करंट जो था वो है आई स्मॉल आई, और फ्लक्स कौन सा लेंगे, पाई कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये लिखा था मैंने, जो टॉर्क है किसके प्रोपोर्शनल है, आई आर्मेचर करंट के, और फील्ड फ्लक्स इसका कौन सा कंपोनेंट, कॉस अल्फा आपको लेना है। ठीक है, सो लेट फाई इज इक्वल टू, फाई कितना था, फाई एम साइन ओमेगा टी, और जो आई है वो है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस साइन। है, साइन इज एंगल ऑफ फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फ्लक्स एंड करंट। ठीक है, फ्लक्स और करंट के बीच में जितना फेज डिस्प्लेसमेंट है वो बता रहा है। सॉरी साइन इज एंगल ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट, एंगल ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फ्लक्स एंड करंट, बिटवीन फ्लक्स एंड करंट, फ्लक्स और करंट में ये करंट है और ये फ्लक्स, दोनों के बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है करेंट और फ्लक्स के बीच में, प्लस इंडिकेट्स, जो प्लस है इसमें प्लस इंडिकेट्स करेंट लीड फ्लक्स, करेंट लीड्स फ्लक्स बाई साइड डिग्री। ठीक है, और माइनस इसका रिवर्स, दैट इज करंट लैग्स फ्लक्स बाय साइन। ठीक है, ये इसका मतलब। ये पूरा सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमको मिलेगा इंस्टेंटेनियस टॉर्क PE instantaneous is equal to P Z upon 2 pi A, ठीक है, pi m sin omega t, ठीक है, और into cos alpha pi के साथ में जो into sin I m साइन ओमेगा टी प्लस माइनस साइन। ठीक है, तो पाई के जगह फाई एम साइन ओमेगा टी, और कौन सा कंपोनेंट काम कर रहा है, कॉस अल्फा, और ये आई के जगह आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस साइन। साइन जो है वो है फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन आई एंड। ठीक है, तो अब इसको सबको एक साइड कर लेते हैं,
z अपॉन 2 पाई a पाई एम आई एम कॉस अल्फा, इनको एक साथ कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस साइन। साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू हाफ कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, ये होता है फॉर्मूला। तो ये है साइन ए और ये है साइन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू z अपॉन 2 पाई a पाई एम आई एम कॉस अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी प्लस साई मिल जाएगा आपको कॉस साई, प्लस ये हो जाएगा 2 sin ओमेगा टी कॉस, सॉरी 2 ओमेगा टी प्लस माइनस साइन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ये मिले, ठीक है। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस टॉर्क है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक सेम फ्रीक्वेंसी है और दूसरा है उसका फ्रीक्वेंसी डबल है, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा टी। और इसको लिख सकते हैं PZ अपॉन 2 पाई a पाई एम, आई एम को लिख सकते हैं √2 × i कॉस अल्फा कॉस साई प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साई। लिख सकते हैं √2 upon 4 pi, √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, √2 से एक हाफ आएगा यहाँ पे, √2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, और इनटू ZP अपॉन ए पाई एम आई कॉस अल्फा कॉस साई प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस माइनस साई। जो एवरेज टॉर्क और स्टेडी स्टेट टॉर्क, एवरेज टॉर्क और स्टेडी स्टेट टॉर्क ऑफ सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर इज गिवन बाय, इसको सॉल्व करोगे तो जो टी एस है वो आपको मिलेगा 0.1154, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा, ठीक है, जेड पी बाई ए पाई एम आई ए कॉस अल्फा और बस कॉस इंटू कॉस।
सो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब ये साई की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, या जो अल्फा की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, तब ये आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम, ठीक है। तो जब इसका आप, ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जब एवरेज वैल्यू फाइंड करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, आपके पास मिलेगा ये cos। तो जो सेकेंड कंपोनेंट का आप अगर एवरेज वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगा जीरो ओवर कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो ये कंपोनेंट का जो एवरेज साइकिल होगा वो क्या होगा? जीरो एवरेज वैल्यू, ठीक है। ये मिल गया आपको टॉर्क की वैल्यू सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर, ठीक है, इस तरीके से टॉर्क प्रोड्यूस होता है और ये उसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर अल्फा क्या है? जो ब्रश को आपने डिस्प्लेस किया है, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से, ये है अल्फा, ठीक। और साई क्या है? करंट और फ्लक्स के बीच का एंगल, ठीक है। आज के इतना ही, किसी को कुछ डाउट? नो सर, नो सर।